या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना, ए इत्मीनान वाली जान। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये कुदरत की तरफ से फरिश्तों के जरिए खिताब होता है उस बंदे को जिसकी पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के अंदर गुजर जाए, रसूल की खुशी में गुजर जाती है। ऐसे बंदे की जिंदगी का जब आखिरी वक्त आता है तो वो बेचैन नहीं होता, बल्कि कुरान की सूरह फज्र की आखिरी आयात के अंदर है कि अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह का ये पैगाम उस बंदे को सुनाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना, ए इत्मीनान वाली जान। इसी जुमले पर मरने वाले के कल्ब को सुकून नसीब हो जाता है, उसे बेकरारी नहीं होती, यूं भी वो बेचैन नहीं होता, मुतमईन होता है। लेकिन जब ये निदा सुनता है ए इत्मीनान वाली जान, तो उसे मजीद इत्मीनान हो जाता है और फिर उसे क्या कहा जाता है, इर्जी इला रब्बे, तेरे रब की तरफ लौट आ, लौट आ। रब भी कहा गया तेरे रब, रब तो सबका है, लेकिन तेरे रब क्यों कहा गया? वजह यह है कि मेरे बंदे तूने पूरी जिंदगी मेरे ही फैसले पर राजी रहने की कोशिश की और तूने मुझे रब ही माना है और रब मानकर तूने उस मानने का हक अदा कर दिया, तो आ तू किसी और की तरफ लौट करके नहीं जा रहा, तेरे रब ही की तरफ तू लौट करके जा रहा, लौट आ तेरे रब की तरफ। अब कोई किस हाल में जाता है, कोई किस हाल में जाता है, लेकिन ऐसे जाने वाले की कैफियत का कुरान जिक्र करता है, रादियतम मर्दिया। इस हाल में तू तेरे रब की तरफ आ कि तू तेरे रब से राजी और तेरा रब तुझसे राजी। SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा के लिंक मिले।